and a half week में हमने ना 1000 subscribers complete किए हैं। तो काफी YouTubers जो ने challenge मैंने काट चुके हैं। last साल दो साल पहले काफी YouTubers ने काट चुके हैं। मगर उसमें मैं नहीं सोचा था मुझे आता ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ ट्रिपलेट्स। तो जी अभी का सीन ये है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, यकीन ठीक ही होंगे। मेरी दुआ आप जा रहे हैं ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे हैं और अल्लाह आपको ऐसे खुश और आबाद रखे। तो अभी का सीन ये है कि मैं भी आया उसे चाचू की तरफ और आज जा रहा हूँ घर। घर जा के देखते हैं कि आज क्या रूटीन चल रही है उधर। और सुनने में आया कि आज घर वालों ने कहीं जाना है, हो सकता है मैं उनके जाने से पहले पहुँचूँ यहाँ, तो फिर वो अकेले ही फिर आएंगे। देखते हैं क्या होता है, यहाँ तो वो चले भी गए होंगे, यहाँ तो फिर जब मैं जाऊँगा साथ जाऊँगा, यहाँ तो खुद ही हो आएंगे। कोई नहीं, हम बाद में कभी प्लान बना लेंगे, मैं अभी तो अकेला जॉइलैंड गया था। कोई नहीं, तो चले घर चलता हूँ। आ जाए आप भी साथ ही आ जाए, आपको रास्ता मैंने नहीं दिखाना, कोई नहीं दिखाना, जाए यहाँ से। तो जी अभी का सीन ये है कि पहुँच चुका हूँ घर और घर आके देखा है तो घर तो कोई आई नहीं। हा 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 हा, घर में मेरा अकेले का राज है। अभी आप लोगों को बताया था ना कि घर वालों ने जाना है उधर लिंक रोड वाली साइड पे, वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो वो लोग तो चले गए हैं उधर। और अभी मैं घर में अकेला हूँ, देखते हैं आप वो कब तक आएंगे। आप जब आएंगे तो आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। और तब तक मैंने उनको वैसे कह दिया कि उधर ब्लॉग बना लें, उधर का भी ब्लॉग बनाएंगी, चलें आप उसके बाद ये वो वाले क्लिप्स इंजॉय करें। ठीक है, चलें आगे देखते हैं, आप कोई मस्ती वगैरह भी करते हैं अगर हुआ तो। घर में अकेले हैं। ओ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखें जी, आज हम लोग पहुँच चुके हैं मॉडल टाउन लिंक रोड। तो यहाँ से कुछ हमने ग्रॉसरी वगैरह मामा ने करनी थी और हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। यहाँ देखें जी कितनी प्यारी प्यारी फेरी फ्रॉक्स लगी हुई थी बच्चों की, तो कितनी प्यारी थी। आप ही ने यहाँ से कुछ अपने कुर्ते वगैरह लिए हैं और कुछ स्ट्रॉलर वगैरह और कुछ ट्राउज़र। मैंने सामने वाली शॉप से कुछ अपनी टी शर्ट्स वगैरह ली हैं। उसके बाद जी यहाँ से हमने खाई फ्राइज और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना स्ट्रीट फूड लगा हुआ था, तो यहाँ से हमने बस फ्राइज़ खाई थी क्योंकि आगे जाके हमने खाना था। और फिर हम लोग गए जी आगे आगे। ये देखें जी, ये यहाँ से शूज़ वगैरह और यहाँ से अंदर इतनी सारी इसके अंदर ना शॉप्स हैं, जैसे कि हील्स हो गया, स्टाइल हो गया, ब्रांड्स वगैरह हैं। यहाँ पे देखें जी बाहर भी लगे हुए बैग्स हैं, सॉक्स वगैरह हो गई। यहाँ से ये यहाँ पे ये हील्स आ गया, हील्स का ब्रांड आ गया, स्टाइलो आ गया। स्टाइलो के अंदर भी आप ही गई थी, आप ही ने शूज़ वगैरह लेने थे, उनको चाहिए थे वन फ्लोर शूज़, वहाँ से पसंद नहीं आए। फिर आप ही मेट्रो चली गई, मेट्रो से भी उसको उनको पसंद नहीं आए। फिर हम लोग चले गए जी फाइन पिज़्ज़ा, वहाँ से हम लोगों ने खाया पुलाव, उनका पुलाव बहुत मशहूर है, वो खाया। और फिर हम लोग आ गए जी विक्टोरिया। यहाँ पे जी मामा अंदर गई हुई थी शॉपिंग करने, वो ग्रॉसरी करने मामा ने करनी थी, मंथली जो ग्रॉसरी होती है वो करनी थी। और आप ही ने यहाँ से कुछ अपनी बुक्स वगैरह लेनी थी, वो ली। ये देखें यहाँ पे कितनी वैरायटी है बुक्स की, तो आप ही पढ़ती है नावल वगैरह, उन्होंने यहाँ से नावल वगैरह लिए, कुछ ड्राइंग बुक्स की ली उन्होंने और अपनी यूनिवर्सिटी की बुक्स भी ली थी उन्होंने। और फिर हम लोग जी आगे गए, ये देखिए यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी पड़े हुए थे। फिर हमने यहाँ से ली कुछ ज्वेलरी थोड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह लिए। फिर हम लोग आ गए, फिर हमने शवारमा खाया, मामा ने दही भल्ले खाए क्योंकि मामा को शवारमा नहीं पसंद, इसलिए मामा ने दही भल्ले खाए थे। क्योंकि पुलाव खाया था इसलिए इतनी भूख नहीं लगी थी, इसलिए हम सब ने शवारमा खाया और मामा ने दही भल्ले खाए थे। फिर ये देखिए विक्टोरिया का आ गया बाहर से, विक्टोरिया ऐसा है, ये बोर्ड लगा हुआ है बस। तो ये है आगे जी, ये है हमारी ज्वेलरी जो हमने वहाँ से लिए हैं, कुछ इयररिंग्स वगैरह और कुछ रिंग्स है, क्योंकि मामा को ना रिंग्स वगैरह का बहुत शौक़ है। मुझे तो छलों का शौक़ है और मामा को रिंग्स वगैरह का शौक़ है। मामा ने रिंग्स वगैरह लिए और कुछ छोटे छोटे टॉप्स वगैरह लिए। बाकी फिर अब आ गए हम लोग घर, तो आगे आपको मिलते हैं हम लोग घर। ओके,
तो ये देखिए जी, इतने प्यारे प्यारे एयर रिंग्स हैं और रिंग वगैरह हैं। तो जिसको पसंद आए वो जहाँ वहाँ जाके शॉपिंग भी कर सकता है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। जब लोग आ चुके थे शॉपिंग करके, बहुत भाई जी ये दोनों आ गए हैं और मैं तो कब का आया हूँ, आप लोगों को दिखाया था खाली घर। आज इतना थके हैं, बड़ी शॉपिंग। मुझे लगा था कपड़ों की शॉपिंग करने में एक बंदा थकता है, लेकिन ये तो ग्रोसरी में भी बंदा थक ही जाता है। हम ग्रोसरी शॉपिंग पे गए थे, इतना थके फिर आते हैं ये लोग। अब वहाँ पे वीडियो इतनी नहीं बना सकते थे, फिर क्या करे हम लोग। हाँ थोड़ी सी ब्लॉग्स बना के लाए हैं, कोई नहीं। आते सारे हम लोग फ्रेश हुए हैं, हमने कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, कंफर्टेबल हुए हैं, फिर हम आपके पास आए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अभी का सीन ये है कि आज हम आपसे बात करेंगे अपने YouTube करियर की, शेयर करेंगे अपने YouTube करियर की। क्या अभी हमें एक मंथ हुआ है तकरीबन, तो हमने कोई 2.5 वीक में हमने ना 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि किसी को लगे था भी नहीं इतना। हमें तो था कि 500 हो जाएंगे एक महीने में। हाँ कोई नहीं, 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपने हमें 1K सब्सक्राइबर्स करवा दिए इतने जल्दी। तो अभी का सीन ये है कि अभी 1.5K सब्सक्राइबर चल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये सब्सक्राइबर टच कैसे हो गए हैं। 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अभी बात करते हैं कि हमने ये सब्सक्राइबर हिट कैसे किए हैं अपने YouTube करियर के बारे में जानने लगे हम आप। तो जी बात है 26 मार्च की, जब मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया और बड़ी मेहनत की थी, कुछ आता ही नहीं था उस वक्त, एडिटिंग भी नहीं आती थी, तो वो मैंने YouTube से सीखी। YouTube को किस काम के लिए लाया जाता है, पहले जो था वो गेमिंग व्लॉग में चलता था, वो देखता था, लेकिन अब YouTube पे क्या चलता है मेरा, काम की चीज़ें। अब काम की चीज़ें मैं देखता हूँ और आप लोग मेरे व्लॉग इन्जॉय करते हैं। तो एडिटिंग वगैरह सीखी मैंने पहले, तो उसके बाद फिर व्लॉग बनाया, फिर पहले व्लॉग की आप एडिटिंग देख लें और अब जो व्लॉग आ रहे हैं उसकी एडिटिंग देखें, तो आपको फर्क पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा आपको। तो उसके बाद इतनी मेहनत की है YouTube पे और इतने अच्छे अच्छे आपके लिए व्लॉग्स बनाए हैं, इतने चैलेंज किए हैं, इतना घूमने फिरने गए हैं, इसी वजह से आज हम 1K सब्सक्राइबर टच कर पाए हैं। और हमारे मैक्सिमम 1 मंथ में हमारी 200 वीडियोस हो गई तकरीबन होने वाली हैं। हाँ। शॉर्ट्स मिला के तो काफ़ी यूट्यूबर्स ये चैलेंज पहले कर चुके हैं, आई नो डैट दो साल पहले काफी तो, मगर उस वक्त मैं छोटा था, मुझे आता ही नहीं था, तो अब सीखा है तो मैंने सोचा अब शुरू करते हैं, क्यों नहीं। अभी ये जी क्या है, मैट्रिक तो हुआ अभी, तो अभी तो बहुत से ख्वाब है मेरे जो पूरे करने हैं, तो हमारी स्ट्रगल स्टोरी है, वो भी एक अनोखी स्ट्रगल स्टोरी है। आपको अगर वो स्ट्रगल स्टोरी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं, मैं आपको अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगा इस ब्लॉग में आपको थोड़ा सा बता। तो जो हमारी स्ट्रगल स्टोरी है वो भी आपको किसी ने बताऊंगा, मगर अभी जो बात हो रही है कि हम यूट्यूबर बन रहे हैं, माशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट है ये सारा, बस आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें और इंशाल्लाह आगे बहुत सारे ख्वाब हैं अपने भी, मामा पापा के भी। पापा ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, पहले बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। तो पापा ने अकेले होते थे, उन्होंने हम 5 बहन भाई हैं, मैं ही भाई हूँ और मेरी 4 बहनें हैं, तो उनको पढ़ाया और एक आपकी तो शादी भी हो चुकी है, तो उनकी शादी भी करवाई है और अकेले वही थे हमारे, हमारी पढ़ाई का खर्चा, हमारे खाने पीने का सारे खर्चे उन्होंने किए हैं। तो अब बस मेरा एक ही ख्वाब है कि जो उनके ख्वाब है मैं वो पूरे कर सकूं, और इंशाल्लाह इस ख्वाब को पूरा करने में आप मेरा भरपूर साथ देंगे, मुझे पता है। तो ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहे, और मेन बात यह है कि हमारे सब्सक्राइबर तो पूरे हो सके, मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना उसके लिए सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट है। तो अभी जो हमें चाहिए क्या चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, तो आप हमारी वीडियो पूरी वॉच किया करें ना, और ज्यादा से ज्यादा दिन में 2-3 बार देखा करें, ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो सके, फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी अच्छे हम व्लॉग्स लाएंगे। अभी भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, फिर अच्छे आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो
बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे हमें और इंशाल्लाह जरूर एक दिन सक्सेस मिलेगी हमें इंशाल्लाह। और ऐसे ही आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, नेचुरल ब्लॉग्स जो मैं कर रहा हूँ वो दिखाऊं, या मैं चैलेंजेस करूँ, या कहीं घूमने फिर जाऊँ, या डेली ब्लॉग्स में सब कुछ आ जाता है। डेली ब्लॉग मेरा तो माइंड है डेली ब्लॉग्स का, मगर आप लोग जो कहेंगे इंशाल्लाह वो भी करूंगा। तो बस मिक्स चाहिए तो ये भी बता दें, एक दिन ब्लॉग आ जाएगा, एक दिन चैलेंज आ जाएगा, एक दिन घूमने फिरने चले जाएंगे, एक दिन कहीं और चले जाएंगे, एक दिन कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, बस हो गया। आपके लिए कुछ जो आपको पसंद आता है वो बताएं आप, ठीक है, कमेंट में जरूर लाजिम बताएं। और आप कमेंट क्यों नहीं करते, करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। और हाँ एक चीज, मेरे कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, अगर किसी को पता है कि किस तरह कमेंट्स बार बार ऑन करें तो ये भी मुझे कैसे बताएंगे आप लोग, ईमेल करते हैं मुझे, ईमेल करके जरूर बताएं कि मेरे कमेंट्स क्यों बार बार ऑफ हो जाते हैं। मैं तो ऑन करता हूँ मगर फिर ऑफ हो जाता है, समझ नहीं आ रही, मैंने वीडियोज भी देखी है उसके अंदर भी समझ नहीं आई है क्या सीन है। कोई नहीं, आप में से अगर कोई जानता है तो मुझे जरूर बताए, ईमेल कर दे मुझे, आप हमें मशवरा दे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जरूर बताना आप लोगों ने कि आप लोगों को कमेंट्स का ये क्या रोल है, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं ऑन तो करता हूँ फिर ऑफ हो जाते हैं। अभी पिछली वीडियो में भी हमारे ऑफ है, ऑन करते हैं ऑफ हो जाते हैं, ऑन करते हैं खुद ही ऑफ हो जाते हैं, पता नहीं उनको हम ऑन होना पसंद नहीं है शायद हमारी वीडियो पे, वो चाहती नहीं है कि हम ऑन हो। तो चले बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टाइम हमारा पूरा करें जल्दी जल्दी से, हमारा मोस्ट टाइम पूरा होएगा, हमने 1000 सब्सक्राइब कराना, अब आपका चैलेंज ये है कि हमारा मोस्ट टाइम पूरा करें, 1 वीक में या 2 वीक में हमारा मोस्ट टाइम पूरा होना चाहिए, जल्दी जल्दी कराएं, आगे से आगे शेयर करें, सबको बोले कि हमारी वीडियो देखा करें और पूरी देखा करें। हाँ और पसंद आता है तो मुझे ये भी बताएं, जो चीज आपको पसंद आएगी मैं आपको वो ला के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जितना जितना शेयर होगा उतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकेंगे और मेरा उतना ही दिल करेगा कि मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मेरी दुआ है कि आप जहां रहे हंसते और मुस्कुराते रहे, अल्लाह आपको ऐसे खुश और आबाद रखे। तो आप हमें दुआओं में याद रख करें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो बस मिलते हैं कल आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जॉयफुल, वेरी फनी, वेरी कॉमेडिकल, वेरी 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 मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।